नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको, आप भी सोच रहे होंगे कहाँ ले आया मैं आप लोगों को। द्रव्यवती नदी के किनारे इस समय मैं बंबाला पुलिया पे खड़ा हूँ और नीचे आपको द्रव्यवती नदी दिख रही है। द्रव्यवती नदी कितनी सुंदर दिख रही है, आप भी देखिए, जब ये अपने चरम पे बहती होगी तो कितनी सुंदर लगती होगी। सनसेट का समय, आप भी देखिए जयपुर में सनसेट कितना अच्छा लग रहा है। द्रव्यवती नदी पे सनसेट बहुत ही खूबसूरत। मैं आज आपको सनसेट पॉइंट द्रव्यवती नदी जो नीचे बह रही है उसके ऊपर से दिखाने के लिए आया हूँ। सामने सूरज सनसेट की तरफ बढ़ता हुआ बड़ा ही सुंदर व लुभावना दृश्य आपको दिख रहा होगा। आसमान पे लालिमा फैल रही है, धीरे धीरे सूरज डूब रहा है और बड़ा ही सुंदर छटा हमको दिखा रहा है। मेरे मन में राजेश खन्ना की एक पिक्चर का गाना आ रहा है, कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए। मैं अब आपको वो गाना ही सुनाता हूँ। कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। द्रव्यवती नदी बहुत पुरानी है। द्रव्यवती नदी का अस्तित्व जब अरावली पर्वतमालाओं का अस्तित्व सामने आया उसी के साथ सामने आया होगा। पहले ये अपने आप बहुत चरम पे बहती होगी। आज से 350 साल पहले राजा जय सिंह जी ने जयपुर का निर्माण इसी के किनारे पर किया। नीचे द्रव्यवती नदी बह रही है और ऊपर सूर्य भगवान पेड़ों की छाँव में सूर्यास्त की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए बहुत छोटा सा सूर्य का कितना सुंदर सा नज़ारा हमको दिख रहा है। पक्षी भी धीरे धीरे अपने घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। आसमान में लालिमा फैल गई है, बड़ा ही सुंदर और मनोहर यह दृश्य हमको सामने दिख रहा है। पूर्ण रूप से सनसेट का बड़ा ही सुंदर नज़ारा हमने आज देखा है, आप लोगों ने भी देखा है। आप लोगों को ये नज़ारा कैसा लगा कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में जा करके मेरे को इसकी प्रतिक्रिया देखें। पीछे गुलाबी आसमान के अंदर प्लेन उड़ता हुआ आपको दिख रहा होगा और पक्षी उड़ते हुए भी आपको दिख रहे होंगे। दोस्तों, मैं आशीष पारिक आज का सनसेट सूर्यास्त का यह व्लॉग यहीं ख़त्म करके आपसे अगले व्लॉग में जल्दी ही मिलने का वादा करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।